सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम का यहाँ पर प्राइस कट कर दिया गया है फिर से। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब ये फोन आपको कितने में मिलेगा और आपको अब क्या ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो इसी डिवाइस को जब 2016 में लॉन्च किया था तब इस फोन की प्राइस रखी थी 18,600 रूपीज। जी हाँ, 18,600 रूपीज तब इस फोन की प्राइस रखी थी। लेकिन अगर अभी आप ये फोन लेते हैं 3 GB RAM और 16 GB इंटरनल स्टोरेज का, तो अभी इसकी प्राइस है 10,490 रूपीज। तो लगभग 8,000 रूपीज के यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2 साल के अंदर। ये फोन है वो है सैमसंग का J7 प्राइम, जो कि 2016 के नवम्बर मंथ में लॉन्च हुआ था। 18,000, लगभग 18,500 के प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको 3 GB का रैम मिलेगा और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अभी आप ये फोन लेंगे तो अभी आपको ये फोन सिर्फ देने होंगे 10,490 रूपीज में आपको ये फोन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा सैमसंग एक फोन को मतलब खींच के ले जाता है। सैमसंग की मार्केटिंग जो प्लान है कितना दिमाग वो लगाता है, क्योंकि 2016 के स्मार्टफोन 2018 में लोग ले रहे हैं। स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग देखिएगा सैमसंग के J7 प्राइम लेते हैं, सैमसंग के J2 लेते हैं, सैमसंग के J2 प्रो लेते हैं। मतलब उनका एक मार्केट जो प्लान है वो काफी अच्छा से वर्क करता है। अगर हम लोग बात करें तो हर लगभग 6 महीने में 3 महीने में वो 2,000 रूपीज प्राइस कट कर देती है। फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर से उस फोन की प्राइस कट कर देती है। पहले 15,000 हुई थी, 15,000 के बाद 12,000 हुई, 12,000 के बाद 10,000 हो गई है। मतलब देख रहे हैं आप किस तरह से वो प्राइस को कट करता है मार्केटिंग के हिसाब से। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा कि आपको लेना है फोन, अगर आप कोई फोन लेने का सोच रहे थे, अगर आपका बजट था 10,000, 11,000, 12,000, तो क्या आपको सैमसंग का J7 प्राइम लेना चाहिए, 3 GB वाला और 16 GB वाला। सबसे पहला बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको क्या चाहिए कि स्मार्टफोन में। अगर आपको हैवी गेम्स खेलना है तो आप मत लीजिए। अगर आपको बस फोन ही चाहिए बस, जिसे आप कुछ अच्छे फोटोज ले सकते हैं और आपको एक अच्छा परफॉर्म मिल जाए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आपको सिर्फ सैमसंग का ही फोन लेना है, मतलब आपको सैमसंग के अलावा और किसी फोन को देखना भी नहीं है, मतलब सिर्फ आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए, सिर्फ सैमसंग का ही लेना है आपको, तो आप ले सकते हैं 10,400 में ये स्मार्टफोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको एक अच्छा गेमिंग चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, देखिए इस फोन में आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि TFT डिस्प्ले है। एटलीस्ट सुपर एमोलेड देते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन सुपर एमोलेड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा लेने से पहले। और अगर मैं आप उनको बोलूं, अगर आपको सिर्फ सैमसंग का ही लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी ब्रांड्स का लेना है तो इस प्राइस रेंज में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए मैं ओप्पो का Realme 1 कह लीजिए, जो कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लगभग 8,000 या फिर 9,000 में आपको मिल जाएगा। तो स्मार्टफोन आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो कि इससे काफी अच्छा है। उसमें आपको मीडियाटेक का Helio P60 लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि इसमें आपको लगभग 2-2.5 साल पुराना ही चिपसेट देखने को मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लेना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए, उसके बाद अपना फोन डिसाइड कीजिएगा। मैं तो बोल दिया, अगर आपको सिर्फ सैमसंग का ही लेना है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो बाकी बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो की जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।